और देखिए एक बड़ी खबर है, पटना में अवैध निर्माण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। अतिक्रमण हटाने गए दस्ते पर हमला कर दिया अतिक्रमणकारियों ने। हमले में एसपी सिटी तक घायल हो गए, कई पुलिस वालों को चोट आई है। पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया है। ये तस्वीरें राजीव नगर पटना की, जहां पर देखिए कैसे पुलिस बल पर वहां अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। एसपी सिटी को चोटें आई हैं, पत्थरबाजी हुई वहां पर, लोग उन सुरक्षा बल पर हमला करने लग गए जो अतिक्रमण हटाने गए दस्ते के साथ था। पिछले दो दशक से राजीव नगर आवास बोर्ड जमीन का मामला चल रहा है। कई दफे जो अवैध कब्जा है, जो अतिक्रमण है, उसको हटाने की कई बार प्रशासन ने कोशिश की, लेकिन हर बार वो कोशिश नाकाम। और आज एक बार फिर से हाई कोर्ट को 20 एकड़ ज़मीन देना है। लगभग इस वक्त 400 एकड़ जो ज़मीन है वो खाली कराना है, जिसमें 20 एकड़ ज़मीन हाई कोर्ट के कर्मचारियों के लिए, जिस पर आवास बनना है, उसके लिए खाली करा करके देना है। लेकिन 1024 एकड़ जो ज़मीन है वो ज़मीन विवादित है, जिसको लेकर हर दूसरे या तीसरे साल यहाँ पर विवाद होता है। प्रशासन की पूरी टीम पहुँचती है, लेकिन आज ये जो 400 एकड़ ज़मीन है वो खाली करानी है। और जिसके लिए देखिए किस तरह से आज अहले सुबह ही डेढ़ दर्जन ये बुलडोज़र जो है वो यहाँ पर जेसीबी पहुँचती है और आसियाने टूटने शुरू होते हैं। हालांकि लोग विरोध भी दर्ज करते हैं, लेकिन 2000 से 2500 की संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात मौजूद रहते हैं, लिहाजा वो विरोध दबा दिया जाता है। लेकिन ये देखिए लोगों ने यहाँ पर दो दो मंजिले, तीन तीन मंजिले मकान बना लिए हैं। और सबसे अहम ये है कि जब से ये विवाद चल रहा है, सेटलमेंट की भी बात हुई, विधानसभा में मामला उठा, जो स्थानीय विधायक हैं संजीव चौरसिया, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बिजली के खंभे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, कई विधायकों ने, सांसदों ने, पार्षदों ने अपना नेम प्लेट लगवा करके सड़कें तक बनवाई, बिजली विभाग ने यहाँ पर बिजली दिया, तमाम जो नागरीय सुविधाएं होती हैं वो तमाम सुविधाएं दी गईं। और फिर कहा गया कि ये अतिक्रमण है, ये अवैध कब्जा है। लेकिन अगर ये शुरू से ही अगर ये अवैध कब्जा था, तो आखिर ये बुलडोज़र चलाने के पहले आखिर किसकी सह पर, किसकी देखरेख में ये यहाँ पर सड़कें बनी, यहाँ पर लोगों को, ये उस वक्त से मामला चल रहा है जब ये सिर्फ आवास बोर्ड की ज़मीन थी। 2014 में जब यहाँ पर सड़क निर्माण पर रोक लगाई गई, उस वक्त सिर्फ 50 मकाने ही यहाँ पर बनी थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ 400 एकड़ की ही बात करें तो 3000 से भी ज़्यादा मकाने यहाँ पर बन चुकी हैं। और उन मकानों को अब तोड़ा जा रहा है। अब ये सोचा जा सकता है कि किस तरह से तिनका जोड़ करके आशियाना बना होगा, लेकिन उस वक्त प्रशासन क्या सोई हुई थी, क्या उस वक्त जो स्थानीय थाने हैं, क्या उनको ये सूचना नहीं थी कि इतनी बड़ी कॉलोनी अवैध रूप से, जिसको सरकार कह रही है कि ये अतिक्रमण है, ये अवैध कब्जा है, तो ये अवैध कब्जा इतने बड़े पैमाने पर होता रहा, क्या सरकार सोई थी, क्या आवास बोर्ड सोया था, क्या स्थानीय थाना सोया हुआ था राजीव नगर, या फिर थाने की सह पर ये खेल यहाँ पर चलता रहा। सीधे चलते हैं रुपेश के पास। रुपेश, वो सर रिपोर्ट हमने देखी, वो हमने आपकी वो तस्वीरें देखी जो आप वहाँ से दिखा रहे थे। अगर इतने 20 दशक पुराना मामला है तो ये बिजली के तार तो सरकारी विभाग ने लगाए होंगे ना, सड़क तो सरकार की पीडब्ल्यूडी संस्था ने ही बनाई होगी ना, उन पर कब कार्रवाई होगी? देखिए, सरकार ने सिर्फ इसे अवैध घोषित कर दिया, प्रशासन ने उस अवैध घोषित मकानों को तोड़ने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सरकार भले कह रहे हैं कि अवैध है, लेकिन बशीर बद्र कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। और आज यही हालत है, हमने अपनी आंखों से देखा, जिन घरों को टूटना है उन घरों से लोग खिड़की दरवाजे तक तोड़ करके और खुद से खाली कर रहे हैं कि अगर टूटना ही है। आज दो दशक पुराना मामला है, दो दशक में कई बार विधानसभा में न जाने मामले उठे, नीतीश कुमार ने इस पर बैठकें की, स्थानीय विधायकों ने बैठक की, ये तब से मामला चला आ रहा है जब ये खाली ज़मीनें थी, आवास बोर्ड की ज़मीन थी, जब मात्र 50 घर वैध या अवैध बने हुए थे। आज हजारों मकान हैं, 1024 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन पर कम्युनिटी हॉल बने हैं, स्कूल बने हैं, सरकार ने सड़कें बनवाई हैं, बिजली दिया गया है, नगर निगम टैक्स वसूल करता है,
विधायकों के और सांसदों के यहाँ पर शिलापट लगे हुए हैं जिन्होंने सड़कों का उद्घाटन किया है, तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी ये बस्ती अवैध है। यहाँ जो मकान बने हैं वो अतिक्रमण करके बनाई गई है। क्या सरकार ने बिजली का पोल अतिक्रमण करके बनाया है, क्या सड़क अतिक्रमण करके बनाई गई है? लेकिन मामला दरअसल ये है कि अब आवास बोर्ड ने 400 एकड़ जमीन कुछ सरकारी कार्यालयों को बनाने के लिए आवंटित किया है, जिसमें 20 एकड़ जमीन पटना हाई कोर्ट को दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, पटना हाई कोर्ट को अगर 20 एकड़ जमीन दी गई है तब तो खाली होना ही है, लेकिन 20 साल में कई बार सुलह हुए, समझौते हुए, फ्री होल्ड कराने की बात हुई। 2014 में हुआ कि मुआवजे दिए जाएंगे। साफ है यहाँ पर कि यहाँ सब केवल इन अतिक्रमणकारियों का ही दोष नहीं है, ये तो है ही, लेकिन किसकी मिलीभगत से ये सब होने दिया गया, कौन है इसके पीछे, उनके नाम कब सामने आएंगे, ये भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।